मैंने आधा मोड़ा, इसको फिर से इतना भाग मोड़ा कि बचा हुआ भाग दूसरे भाग के ऊपर आ जाए। कट वन गेट थ्री है ये, अरविंद गुप्ता वेबसाइट पर मैंने 5 साल पहले बनाया था, तो कट वन गेट थ्री वहां पर देख सकते हैं। वापस इसको काट दिया और अब एक मजेदार चीज करी, इसको खोलने की जगह वापस से एक बार और फोल्ड कर दिया और इसके ऊपर एक आकृति बना ली। क्लियर है? ओके, एंड व्हाट आई विल डू नाउ इज कट अलोंग दीज लाइंस। ऑलराइट, सो हियर वी गो, आई एम कटिंग अलोंग दीज लाइंस। क्या लगता है क्या होने वाला है? ये पार्ट कट गया, ये यहां तक आया, ये भी हट गया, एंड ये लास्ट कट है, ये भी पूरा काट देते हैं। ओके, सो आई हैव दिस फिगर। रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स वी फोल्डेड? एक बार खोल दिया, फिर दो बार, तीन बार, तो हमने तो कोशिश करी थी कि ऐसा बने कि तीन बच्चे, छह बच्चे हाथ में हाथ पकड़कर गोल चक्कर में खड़े हुए हैं, पर शायद कुछ और ही बन गया। बट रिगार्डलेस दैट वाज द आइडिया। कितने बच्चे दिख रहे हैं अगर इनको बच्चा मान ले तो? ऐसा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है बहुत है, है। क्यों? क्योंकि हमने कागज को तीन बार मोड़ा था, हेक्सागन बना था। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, आपको यही करना है। Looks like a sheriff badge, Samita is saying. Yes, maybe. ये hexagon है, but अगले 5 मिनट में आपको क्या करना है? यही करना है, except hexagon की जगह pentagon हो जाए। यानी ये 6 बच्चे हैं, उसकी जगह 5 बच्चे हो, या 7 बच्चे हो, या 9 हो, विषम संख्या। Alright, Partha Saha has done something beautiful. उन्होंने 6 बना दिए, of course. अब Partha, you know the homework. नहीं, नॉट होमवर्क, क्लास वर्क। 6 की जगह 5 पेटल बनाने हैं। ओके, नॉट 5, नॉट 6 बट 5।